टाइम है, कैलाश और में जा रहे हैं मंदिर की ओर, यानी सुबह सुबह नारायण जी के दर्शन करने। तो दोस्तों अभी हमारी बाइक में तेल नहीं है, यहाँ देख लो जुगाड़ देख लो, ये इतना लंबा ये पाइप है, तो यहाँ से निकालेंगे। और ये भाई सबसे पहले होगी एक खूबसूरत दिन की शुरुआत, और खूबसूरत दिन की शुरुआत हो रही है एक नए ब्लॉग से। ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं शाम के 4 बजे से, उसका मेन रीज़न है सुबह से बारिश भी हो रही थी और आजकल 2-3 दिनों से नेटवर्क भी नहीं है, जिस वजह से जो वीडियो हैं वो टाइम टाइम पे अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन टाइम पे अपलोड हो नहीं रहे हैं। अभी शाम का टाइम है, मैं आ रखा हूँ रामलीला मैदान में, और ये रहा रामलीला मैदान। और आजकल यहाँ रामलीला की तैयारी चल रही है, तो अभी के टाइम जो कोरस की बालिकाएँ हैं वो अपनी तैयारी करते हैं, और शाम के टाइम जो रामलीला के जो पात्र हैं वो अपनी तैयारी करते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ उनकी तैयारी चल रही है, और अभी जैसे इधर आए वैसे ही बारिश स्टार्ट होगी। लगा लो आजकल बारिश ने इतनी तबाही मचा रही है सारी जगह, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा, कहीं सड़कें नीचे जा रही है, और गोचर में तो लगा लो पिछले 4-5 दिनों से जो लैंडस्लाइड हुआ ना, उससे जो रोड था वो तो पूरे नदी में चले गया। क्या बता आज शायद पैदल मार्ग वहाँ खोल दिया गया है, और जगह जगह ऐसे ही हो रहा है। हमारे गाँव में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ लैंडस्लाइड की वजह से ना बहुत सी जगह खिसक गई। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं फिर से रामलीला स्टेज में आ गया हूँ, क्योंकि 6 बजे से आज रिहर्सल स्टार्ट है, क्योंकि कल तक रात के 9-9:30 बजे से होती थी, तो ज़्यादा ही रात हो जा रहा था, तो आज 6 बजे से लगभग 8 बजे तक चलेगा। तो सारे लोग पहुँच गए होंगे, कोई पीछे आ रहे हैं, कोई यहाँ पहुँच गए हैं, तो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा अभी से। यहाँ देख लो चप्पलों की लाइन, ये देख लो इतने सारे लोग पहुंच गए, और प्रभु श्री राम ये हैं इस बार। यार आज पहले दिन कहाँ थे आज तक? तो दोस्तों वैसे तो रामलीला होनी है कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे, यानी अभी 1 महीने 5-6 दिन बाकी है, और ये मतलब रिहर्सल करने के लिए बहुत होते हैं। तो जो नए नए पात्र हैं इस बार, सारे नए पात्र हैं, मतलब जो पुराने थे उनको बिल्कुल चेंज किया गया है और नए लोगों को मौका दिया गया है, इसीलिए 1 महीने उनके लिए बहुत है, तो पूरी तैयारी करेंगे 1 महीने बाद। यहाँ पे देखेंगे आपको बिल्कुल सामने इस मंच पे, और नए नए पात्र में एक ये भी है, इसने तो पहले शत्रुघ्न का पार्ट खेला है, और इसने नहीं खेला ना, ये खेल रहा है इस बार मेघनाथ का। क्यों? हाँ जी, कैसा लग रहा तुझे पहली बार पार्ट खेला मेघनाथ का? नहीं नहीं, खेला तो बहुत बार, पर राक्षस का पार्ट पहली बार है। राक्षस होना गर्व है? गर्व आज के युग में वो भी गर्व की बात। यह है दूसरा दिन, और आज सुबह सुबह का मौसम देख लो ना, आज के मौसम की बात ही करें क्या, आज सुबह सुबह बादल लगे हैं और बादल में हम भी नहीं दिखाई दे रहे ना, ये देखो हो रहा है गन्न का टाइम है, कैलाश और में जा रहे हैं मंदिर की ओर, यानी सुबह सुबह नारायण जी के दर्शन करने, और वहीं पे भोलेनाथ जी का मंदिर भी है, तो सावन के महीने भोलेनाथ जी के दर्शन तो होते ही हैं, साथ में नारायण जी के दर्शन, और पहुँच ही गए हैं लगभग। और जो गांव की गाड़ी सुबह निकलती है वो आज काफ़ी जल्दी चली गई है, लगा लो अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे से पहले ही गांव की गाड़ी निकल गई है। और यहाँ देख लो मंदिर पे काम चल रहा है अभी। जय भोले। चलो दोस्तों दर्शन कर लें भोलेनाथ जी के, भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। रात में यहीं पर नारायण जी का मंदिर है, तो यहाँ भी दर्शन कर लें आप।
सुबह दर्शन भी हो गया है और सुबह सुबह मंदिर जाने का जो सुकून है ना वो अलग ही है, क्योंकि लास्ट और खासकर जो मेरे माथे पे चंदन है उसकी ठंडक क्या अलग है। तो सुबह से मंदिर भी जाना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सभी जाएं, मतलब जिसके मन में है भक्ति साधना वगैरह वो जा सकते हैं। मौसम कुछ ज़्यादा ही कोहरा लगा हुआ है और जिससे ना इधर उधर साफ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे मौसम में जाना भी कहाँ। और नेटवर्क भी मतलब आ रहा जा रहा वैसे ही कर रहा है, क्योंकि पिछले दो दिनों से नेटवर्क भी नहीं था, तो आज अभी थोड़ा है तो वीडियो भी अपलोड करना है थोड़ी देर में। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता भी बन गया होगा। और अभी देख लो ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा सामने, मेरे पापा और मैं और भविष्य और सारे मार्केट गए हैं, भविष्य के पापा, भविष्य की मम्मी और भविष्य का भाई और भविष्य, वो चार लोग मार्केट गए हैं। पापा ने नाश्ता बना दिया है और कल तक दो दिन मैंने बनाए, आज पापा की बारी थी तो पापा ने बना दिया आज नाश्ता। और मम्मी मेरे से पहले नाश्ता करने वाली है, यहाँ देख लो आज पापा ने बना रखी रोटी, देखो। चलो दोस्तों अभी दिन का टाइम है तो थोड़ा काम है, बिशेर भाई और मैं जा रहे हैं मार्केट, इमरजेंसी वाला काम पड़ गया, वरना तो आज घर ही का वीडियो आना था। तो निकलते हैं मार्केट की ओर, यानी जोशीमठ जाएंगे, और हल्की हल्की बारिश भी होने बैठी, पता नहीं रास्ते में क्या होगा, बारिश से बुरे हाल भी हो सकते हैं आज, बरसाती वगैरह कुछ रखा नहीं है तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देख लो लौंडों की भीड़, चलो चलो निकलते हैं मार्केट की ओर। अभी तक तो उधर दिख रहा था धारे में कैसे, दोस्तों अभी हमारी बाइक में तेल नहीं है, यहाँ देख लो जुगाड़ देख लो, ये इतना लंबा ये पाइप है तो यहाँ से निकालेंगे। और ये भाई साहब अकड़ रहे यार तेल देने में, दे दो भाई जल्दी जल्दी, बस आ रहे भाई फूक पास है, यहाँ देख लो मार तो वहाँ से। हाँ वो भी है, नहीं नहीं आप जोशीमठ से डाला परसों हमने, ये दूसरा डाल दिया हमने परसों, नहीं भाई दे दो यार टाइम से दे दो यार, जब भी चोरी करना है तो इस बारे करना है, टैंक में बारिश चले जाएगा मास्टर, किस्मत ही खराब है यहाँ देख लो, इसको भर के ले जाएंगे आज।